नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के गोंदिया में 1.5 साल की बेटी की दीवार पर पटक कर हत्या। कोविड से अब तक 450 बिजली कर्मचारियों की मौत। 60 सवालों के ऑनलाइन जवाब दे घर बैठे पाए लर्निंग लाइसेंस। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। महाराष्ट्र के गोंदिया में 1.5 साल की बेटी की दीवार पर पटक कर हत्या। पत्नी की शिकायत पर गोंदिया के तिरोड़ा पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पिता ने अपने 1.5 साल की बेटी की हत्या कर दी। बेटी का कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपने पिता से मीठा खाने के लिए 5 रुपए मांग रही थी। पत्नी की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना बुधवार को गोंदिया जिले के लोनार गाँव की है। मामले की जानकारी देते हुए तिरोड़ा पुलिस स्टेशन के प्रभारी योगेश पारदी ने कहा कि आरोपी 28 साल का विवेक मंगलवार को काम करके घर वापस लौटा था, तब उसकी बेटी रो रही थी। पत्नी ने अपनी बच्ची वैष्णवी को चुप कराने और उसके खाने के लिए गेहूं के आटे से बना एक मीठा नाश्ता खरीदने को लेकर पति से 5 रुपए मांगे। बस इसी बात से विवेक को गुस्सा आ गया और उसने बच्ची उठाया और कमरे के बाहर ले जाकर दीवार पर पटक दिया। आरोपी पति ने पत्नी को भी मारने का प्रयास किया। पत्नी ने अपनी शिकायत में कहा कि जिस दौरान उसके पति ने बच्ची को उठाया, उसने उसे बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने उसके साथ भी मारपीट की और बच्ची को पहले दीवार पर फिर चौखट पर पटक दिया। बच्ची को मारने के बाद आरोपी पत्नी के पास भी गया और उसे भी मारने का प्रयास किया। हालांकि किसी तरह महिला वहां से भागी और पुलिस स्टेशन जाकर मामला दर्ज कराया। तो वही दूसरे और कोविड से अब तक 450 बिजली कर्मचारियों की मौत। 11,350 संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स यूनियन ने बिजली कर्मियों को फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा देने की पुनः मांग करते हुए दावा किया है कि कोविड संक्रमण से अब तक 450 बिजली कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। 11,350 संक्रमित हो चुके हैं। इसके बावजूद सरकार बिजली कर्मियों की मांग को लेकर गंभीर नहीं है। फेडरेशन के अध्यक्ष मोहन शर्मा ने कहा कि बिजली कर्मी भी डॉक्टर, पुलिस, स्वास्थ्य कर्मियों की भांति लगातार सेवाएं दे रहे हैं। कोविड के कारण लागू पाबंदियों के दौर में भी वे बिजली आपूर्ति को अबाधित रखने में जुटे रहे। तीनों बिजली कंपनियों में 1,20,000 कर्मी अभियंता कार्यरत हैं। इसमें से 11,350 कोविड की चपेट में आ चुके हैं। अब सरकार को इस मांग पर विचार करना चाहिए। तो वही तीसरे और 60 सवालों के ऑनलाइन जवाब दे घर बेटे पाए लर्निंग लाइसेंस। आधार क्रमांक पर आधारित सेवा, नए वाहनों की जांच भी नहीं कर रहे RTI निरीक्षक। केंद्र सरकार ने आधार क्रमांक का उपयोग कर फेसलेस सेवा का लाभ लेने का प्रावधान किया है। इसके तहत घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनाना बहुत आसान हो गया है। इसके लिए आवेदक को परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपना आधार क्रमांक डालकर पूछे गए सवालों के 60% सही जवाब देने होंगे। इसके बाद लर्निंग लाइसेंस की प्रिंट मिल जाएंगी। इससे RTO कार्यालय की भीड़ कम होकर दलालों से छुटकारा मिलेगा। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।